मतलब 35 टका का बर्गर खा रहे हैं लेकिन 235 रुपया वाला चिकन बर्गर मेंशन कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो थोड़ा तो शो ऑफ करना होगा भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अपने पार्टनर या एक्स पार्टनर से अपनी इंसल्ट का बदला कैसे लें। ठीक है, मान लो ब्रेकअप हो गया तो अब तो वो एक्स पार्टनर हो गया, ठीक है, लेकिन कभी वो जब आपके रिलेशनशिप में था आपको एकदम इंसल्ट करके चला गया, ठीक है, एकदम इंसल्ट कर दिया, एकदम तौहीन, ठीक है। या फिर आपका अभी रिलेशनशिप चल रहा है, ब्रेकअप हुआ नहीं लेकिन पार्टनर अभी भी इंसल्ट कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप में है लेकिन पार्टनर ढंग से बात नहीं कर रहा, आपको इंसल्ट कर रहा है, समझ रहे हो? तो क्या करें? ये मतलब लगभग बहुत सारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई किसी को इंसल्ट करता है, ठीक है, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को करता है या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को करती है, या हस्बैंड वाइफ में भी चलता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, और वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले रिक्वेस्ट है भाई, मतलब एकदम लाइक ठोक दो, देखते ही मारो लाइक, कुछ मत सोचो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम लाइक मार दो, एकदम लाइक मारो, एकदम सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, एकदम सब्सक्राइब और घंटा भी बजा दो, ठीक है। सुनो यार, देखो सबसे पहले दिमाग लगाओ किस चीज में इंसल्ट किया होगा और ज्यादा से ज्यादा किस चीज में इंसल्ट कर सकता है, दिमाग लगाओ, ठीक है। या तो कैरियर में चिढ़ाया होगा, ठीक है, एक घंटा का कैरियर सारा, जॉब ही नहीं लगा अभी तक तुम्हारा, ठीक है। या फिर आप लड़की हो चाहे लड़का हो, कैरियर पे चिढ़ा दिया, ठीक है। किसी को कैरियर सुधारने के लिए आप प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, टोंट नहीं मार सकते, समझ रहो? अरे अच्छे से बोलो कि यार कैरियर पे काम करो ना यार, देखो यार कैसे, मतलब हम लोग का घर कैसे चलेगा, शादी भी कर लेंगे कैसे चलेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन किसे कैरियर कर रहे हो तब तो सारा आप तोहिन कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। कैरियर में चिढ़ाया होगा, या फिर पैसे कौड़ी में, ठीक है, मान लो कि साला आपको आपसे आप उधारी लिए तो भाई उधारी तो वापस ही कर दोगे कभी ना कभी, तो उसको भी ढंग से मांगना चाहिए, चिरा दिया है पैसा खा के बैठ जाता, दे दो ना, गलत तरीके से बात किया, ठीक है। या आपका बॉयफ्रेंड बोल दिया है तुम पे इतना खर्च किए क्या है, समझ रहे हो, मतलब पैसे वैसे को लेके इंसल्ट किया। या फिर हो सकता है लुक्स, अधिकतर चीज में लुक्स में इंसल्ट कर देते हैं कि तुमसे भी अच्छी मिल जाएगी, चल 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 आंदे आंदे चल चल, ठीक है, इसमें चिढ़ा दिया, क्योंकि ये मैं चल चल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परसों एक लड़की कॉल की थी, उसका बॉयफ्रेंड इसी तरह बोल रहा था, चल 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 तू निकल निकल निकल, तेरे से अच्छी मिल जाएगी, बताओ, समझ रहा हो? तो लड़की को बुरा तो लगा ना, भयंकर लगा, जबकि वो सुंदर है, वो लड़की इतनी सुंदर है फिर भी उसको बुरा लगा, ठीक है। तो देखो सुनो, सबसे पहले कैरियर, फिर आता है पैसा कौड़ी, फिर तीसरा लुक्स, एक और चीज हो सकता है आपके आपको नहीं चिढ़ा रहा है लेकिन आपके फैमिली वाले को इंसल्ट कर दिया, आपके माँ बाप को कुछ बोल दिया, ठीक है, या मतलब क्या बोलूँ, तो भाई फैमिली को इंसल्ट किया तो आपका भी तो इंसल्ट किया, एक तरह का तो आपका भी इंसल्ट हुआ, समझ रहे हो? तो यही सब है, कुछ भी हो इंसल्ट किया, आप साला बदला कैसे लें? सुनना भाई, बदला दो तरीके से होता है, ठीक है, दो तरीके का बदला होता है, एक होता है पॉजिटिव बदला, एक होता है नेगेटिव बदला। तो नेगेटिव बदला तो लेना मत, नेगेटिव बदला वही होता है किडनैप करवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे, मारपीट करेंगे, एसिड फेंक देंगे, ये फेंक देंगे, जो क्रिमिनल थॉट आता है, क्रिमिनल माइंड वाला जो नेगेटिव बदला, भाई ऐसे लोग अगर ये माइंड में भी आ रहा है ना भाई, इसको हटाओ, जेल चल जाओगे, बस वहीं तिहार जेल में बैठे बैठे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना, और वहीं बैठे बैठे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना कि मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग मैनिफेस्टेशन, ठीक है, वो कैसे आएगा, ये आएगा, समझ रहे, यही करते रहना वहाँ बैठ बैठ के, ठीक है। इसलिए क्राइम वाला क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल थॉट अगर आ रहा है एकदम वहीं फ्लश आउट करो, आता है कभी कभी, सुसाइड करने का भी आता है कभी कभी ख्याल, ये सब क्या है, सुसाइडल थॉट भी एक तरह का क्राइम ही है, समझ रहे हो? पॉजिटिव बदला लो, पॉजिटिव बदला लोगे, ठीक है, जो एकदम सही है, पॉजिटिव बदला में आप खुद को भी ग्रो करते हो, ठीक है। पॉजिटिव बदला कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको वो कैरियर में चिढ़ाया, ठीक है, कुछ खास कैरियर अभी था नहीं, आप प्रोसेस में ही हो, कैरियर में चिढ़ाई या चिढ़ाया, कैरियर बना दो, छोड़ो ना, ब्रेकअप हो गया ना, जाने दो, ठीक है, वो ब्रेकअप के बाद भी आप बदला ले सकते हो, ठीक है, रिवेंज आप उसके बाद भी ले सकते हो, कैरियर पे काम करो। 3 साल से आप रेलवे वेलवे का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग वैंक का नहीं हो रहा है, बंदी आपको चिढ़ा दिया, बंदा चिढ़ा दिया, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, 1 साल रगड़ो, 1 साल बस और मेहनत करो भाई, फाड़ देना, ठीक है, 1 साल बस पढ़ाई करो, 4-5 एग्जाम अप्लाई करना, ठीक है, और साला कोई ना कोई एक तो निकलेगा, ठीक है। तो ले लिए बदला,
या तो फिर कैरियर वाइज चिढ़ाया होगा, मान लो कैरियर बस जॉब है, ठीक है, या छोटा मोटा है, लेकिन है ना कुछ तो है ना, लेकिन सही इनकम नहीं है, तो भाई उस पर काम करो भाई। देखो अगर आपको बदला लेने का शौक है, ठीक है, तभी तब लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बदला छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, तो वो अलग बात है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए जिनको बदला लेने का मन कर रहा है, नहीं तो अगर आप बिना बदला लिए भी आगे बढ़ना चाह रहे हो तो भाई ठीक है, एकदम आराम से बढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बदला लेना, तो सुनिए, जिद आपकी है, बदला आपको लेना, ये आपका जिद है, ये आपकी थॉट है, ठीक है, सुनो। पैसे वैसे में चिराया, खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ साला सामने ही एकदम खतरनाक उसे कार मुंह के सामने ले आना, ठीक है, उसी के घर के सामने एकदम ड्राइव करना, एकदम चार राउंड उसी के सामने लगाना कार से, समझो इतना पैसा कमाओ। अब तीसरा ये हो सकता है, जिसमें अधिकतर लड़कियों के साथ होता है, कि आपको आपके लुक्स के वजह से छोड़ा या लुक्स के वजह से इंसल्ट किया। लोग सोचते हैं ना इंसल्ट करना सिर्फ मुंह से गाली दे दो वह इंसल्ट होता है, नहीं, अगर आपको कोई छोड़ दिया, धोखा दे दिया, सब कुछ करके किसी दूसरे के लिए आपको छोड़ दिया, तो इसमें भले वो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये भी इंसल्ट है, ठीक है, एक्शन से भी इंसल्ट होता है, समझ रहे हो। तो भाई जिस चीज में वो इंसल्ट किया है उस चीज पे काम करो। अब बताओ पॉजिटिव बदला यही तो हुआ, कैरियर में चिढ़ाया, कैरियर अच्छा किए, पैसे में चिढ़ाया, पैसे कमा लिए, लुक्स पे चिढ़ाया, लुक्स पे काम कर लिया। अब लुक्स में वो नहीं कि नाक, अब देखो नाक नक्शा जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी अब जिम उम जाओ, थोड़ा घर में एक्सरसाइज करो भाई, फिट करो, ठीक है। अब एक लड़की है सब्सक्राइबर, वो कॉल करते रहती है, उसके वो थोड़ी है मतलब मोटी है, ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड तो है मोटी है, तुमको तो उठाएंगे मेरा पाद निकल जाएगा, अब बताओ, इस टाइप का उसका बॉयफ्रेंड बोला था मेरे को, बोली तो भाई मतलब वो भी हंसी मैं भी हंस रहा था, ठीक है। वो बोलती है सर पता है मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोलता है कि तुम तो इतनी मोटी हो, तुमको उठाएंगे हम तो पाद देंगे, अब बता सर। तो मैं भी हंसा, वो भी हंसने लगा, बता। तो भाई एक तो चलो अब इसमें बोलोगे अरे वो तो खुद ही बोल रहा है मैं पाद दूंगा, तो वही तो खुद का इंसल्ट किया, वो एक बार बोला, लेकिन ऐसे बार बार मोटी मोटी बोलते रहता है, अब बताओ। तो मैंने वही बोला पतली हो जाओ ना, समझ रहे, हालांकि ब्रेकअप हो चुका था। तो अब बताओ ये पॉजिटिव बदला नहीं हुआ है, कैरियर वेरियर लुक्स पे काम करोगे भाई, आप ही अच्छे दिखोगे, समझ लो, ये हुआ पॉजिटिव बदला। ये नहीं कि चले माथा पोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुसाइड कर देंगे, उसको घर से उठा लेंगे, हैं कुछ लौंडे और लड़कियां भी। एक लड़की तो मेरे को बोलती सर मेरे मामा पॉलिटिशियन है, ये वो घर से उठवा लूँ क्या, बता। मैं बोला मैम ये सब कॉल पे बात नहीं, अब बता, वो सच में उठा लेगी तो मैं ही ना फंसूंगा, समझ रहा, मैं भी तो सेफ रहूंगा ना भाई, ठीक है। सुनो पहले मान लो कि आपके घर वालों को चिढ़ाया, ऐ तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसा, लो ना बदला, लो बदला, ठीक है। वो क्यों माँ बाप को क्यों चिढ़ा रहा है, है? कहीं ना कहीं या तो फैमिली इकोनॉमी वाइज सही नहीं होगी, या तो आप ही को घर में इज्जत नहीं मिलता है इसलिए उसको पता है, या तो मतलब कि आप ही ने अपने पार्टनर के सामने अपने पापा का बुराई किया होगा इसलिए पार्टनर हल्के में ले लिया कि अरे यार खुद अपने बाप का इज्जत नहीं करता तो मैं तो गाली दे ही सकती हूँ फिर इसके बाप को, ये भी हो सकता है, समझ रहे हो भाई। सुनो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यार मैं तो कैरियर वाइज भी अच्छा हूँ, लुक्स वाइज भी अच्छा हूँ, पैसे वैसे में भी दिक्कत नहीं, फिर भी पार्टनर वाला कुछ नहीं समझता है, मेरे को चिढ़ा देता है, मेरा इंसल्ट कर दिया। अब देखो वो इसलिए क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसको टैकल नहीं कर पाए, अपने पार्टनर को संभाल नहीं पाए, ठीक, उसको नचा नहीं पाए, ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखा दिए। होते हैं कुछ लोग, सब कुछ अच्छा है, लुक्स भी अच्छा है, पैसे से भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना इंटरेस्ट बहुत दिखा देते हैं, इस चक्कर में वो आपको हल्के में ले लिया, ठीक है। अब हल्का सा आपका कॉल मैसेज, वो जो इतना डेस्परेट हो जाते हो आप, ठीक है, हल्का सा भी एक बार कॉल मैसेज नहीं किया, आप हल्का सा बोले उसको यार क्यों नहीं उठाते हो यार कॉल, अब बस आप ही में भड़क गया, वो उल्टा सीधा बोला, इंसल्ट किया आपका। तो सब कुछ होने के बाद भी आप ज्यादा वो एक्साइटमेंट आप में बहुत है, ठीक है, उस चीज पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है, डेस्परेशन लेवल बहुत ज्यादा, उस चीज में कंट्रोल कीजिए, समझ लो भाई, यही सब है, इसमें कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस कि कैसे क्या करे, ये वो सीधा लॉजिक है, ठीक है। आपको जिस चीज में इंसल्ट किया है, ठीक है, एकदम ना पार्टनर उटनर से उतना बात करना छोड़ो, एकदम नो कॉन्टेक्ट में आ जाओ, ठीक है, आप बस अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। और एक और चीज बोलूंगा, आज के डेट में, ठीक है, आपको अपना सोशल लाइफ दिखाना होगा, ठीक है, सोशल लाइफ दिखाना होगा, जिसका सोशल लाइफ है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं,
ठीक है, बहुत लोग डीपी गायब कर देते हैं दुखी आत्मा दिखाने के चक्कर में, कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं बस इसी तरह, सेलिब्रिटी लोग को फॉलो किए और एक भी पोस्ट डाले नहीं है, जीरो पोस्ट, कहां से इंटरेस्टिंग लगोगे है? इंसल्ट का बदला लेना है तो सोशल लाइफ दिखाओ, इंस्टाग्राम चलाया करो, मैं टाइम वेस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस हल्का सा एक्टिव रहने बोल रहा हूँ, फेसबुक चलाया करो, ठीक है, थोड़ा दिखाओ, अपना फोटो वोटो डाला करो, दिखाओ कि मैं लाइव जी रहा हूँ, ठीक है, पैसे कौड़ी में चिढ़ाई थी ना, ये चिढ़ाया था, कार खरीदो फोटो वोटो डालो, अब कार खरीद के उसको कैसे पता चलेगा, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस में था, दूर है, सोशल मीडिया में फोटो डालोगे कार के साथ तब ना उसे पता चलेगा कि कार खरीदा गया। इसलिए आज के डेट में सोशल लाइफ भी होना जरूरी है। कुछ लोग हैं मैं तो पढ़ाकू, मैं तो काम पे फोकस करता, अरे भाई आपको बंदी भी चाहिए, आपको बंदा भी चाहिए, आपको इंसल्ट का बदला भी लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, जब इतने फुर्सत हो, फुर्सत में हो कि अपना इंसल्ट का बदला लेने का सोच रहे हो तो भाई थोड़ा सा 5-10 मिनट तो इंस्टा उंस्टा पे पोस्ट डाल ही सकते हो। भाई देखो अब मेरी भी ये वीडियो कहाँ देख रहे हो, सोशल मीडिया यूट्यूब में ही तो देख रहे हो ना, मान लो मैं सोशल मीडिया चलाता ही नहीं, यूट्यूब में वीडियो बनाता ही नहीं तो कहाँ से मेरे से जुड़ पाते, समझ रहे हो भाई? इसलिए मतलब मॉल वॉल भी जा रहे हो तो मतलब एक बर्गर भी खा रहे हो ना, तो एकदम सेल्फी क्लिक करो एकदम बर्गर के साथ और लिखो एकदम एंजॉयिंग माय मील, ठीक है, खा रहे हैं साला बर्गर, टिका बर्गर, लेकिन मेंशन कर रहे हैं चिकन बर्गर, मतलब 35 टका का बर्गर खा रहे हैं लेकिन 235 रुपया वाला चिकन बर्गर मेंशन कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो थोड़ा तो शो ऑफ करना होगा भाई, ठीक है। सबसे बड़ा बदला क्या है पता है, आपका एक्स पार्टनर हो या आपका पार्टनर है, ठीक है, वो आपका इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप एकदम मायूस हो जाते हो, दुखी आत्मा दिखाने लगते हो एकदम विक्टिम जैसा, ठीक है। सबसे बड़ा बदला क्या है पता है, वो इंसल्ट कर रहा है फिर भी आपका एकदम हैप्पी लाइफ है, आप दिखा रहे हो कि मैं एकदम खुश हूं, घंटा मेरे को फर्क पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा बदला है, यही बोलता हूं पॉजिटिव बदला। बदला ऐसा लो जिसमें आपका ये फायदा हो, ठीक है। बदला के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में कितने लोग ने अपना कैरियर बना लिया, कितने लोग का जिंदगी संवर गया। बदला कुछ गलत चीज नहीं है लेकिन पॉजिटिव बदला, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, ठीक है भाई। सुनो एकदम मारो ठोको लाइक, मतलब ठोको या फिर मारो जो भी करो लेकिन लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल कोई नहीं उठाएगा, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, और अगर पैसा फेंको भाई टिप्स आराम से लो, एकदम सीधा लॉजिक है, ठीक है, पैसा फेंको टिप्स आराम से लो, मैं बैठा हुआ टिप्स देने के लिए, ठीक है। तो चलो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।